हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नेम है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं। देखिए, चैप्टर का मीनिंग आपका समझते हैं। देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। कि देखिए, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। कि मींस हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह क्या है? आपका एनवायरनमेंट। लेकिन आपको क्या कह रहा है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में मान लीजिए हम लोग जाते हैं, तो वहां पर एक सब्जी का दुकान है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक सब्जी का दुकान है, तो यहाँ पर कोई दुकानदार होंगे जो सब्जी बेच रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और सब्जी मान लीजिए आपको लेना है, तो सब्जी लेते हैं, उसके बाद उनको पैसे देते हैं और वो क्या करते हैं, आपको सब्जी देते हैं, राइट। तो वो क्या किया, आपने उनसे इंटरेक्ट किया, तो फिर उन्होंने आपको क्या दिया, सब्जी दिया, आपने उनको पैसे दिए। तो यानी कि ये क्या हुआ, आपका इंटरेक्शन हुआ। अगर आप क्लास में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनके लिए क्या हो गया कि मीन्स वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में भी बातें कर रहे हैं। तो क्या कर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस, तो इसको भी समझ लेते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। देखिए, ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन है, ये क्या होता है ट्रॉपिकल जोन समझते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, राइट, जीरो डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो देखिए, जब इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, ये यहां तक आपका क्या होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। देखिए, ये आपका क्या दिया है, ट्रॉपिकल जोन दिया है। और इसी से ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है आपका, सब ट्रॉपिकल जोन होता है। तो यहाँ से आपको यह भी क्लियर हो गया कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होता क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर हुआ है आपका, यह पूरा इसी पे बेसिस है, इसीलिए इसको समझना जरूरी था। अब हम लोग इजी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपका कह रहा है कि द रिवर अमेजन बेसिन फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। देखिए, ये इक्वेटर है, हमने बताया कि इक्वेटर से आपका 23.5 डिग्री आपका क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि मीन्स 10 डिग्री तक आपका क्या होता है, अमेजन बेसिन फैला होता है, राइट। 10 डिग्री तक आपका क्या है, अमेजन बेसिन फैला होता है। तो देखिए, अमेजन क्या है और बेसिन क्या है समझते हैं। देखिए, अमेजन आपका क्या है, एक रिवर है। ये क्या है आपका, मान लीजिए अमेजन है, क्या एक रिवर है। और रिवर बेसिन क्या होता है, अमेजन बेसिन बार बार नाम आ रहा है, तो अमेजन बेसिन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अमेजन ये क्या होगा आपका, रिवर हो गया, अमेजन रिवर हो गया। तो देखिए, इससे कुछ ब्रांचेज भी होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यानी कि अगर नदियां इसमें आकर मिल रही हैं, नदियां इसमें आकर मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। नदियां इसमें आकर मिल रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। यानी कि इसके क्या हो गए, शाखाएं होंगे। तो देखिए, अब इसी को मिलाकर, इसी को, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो ये अमेजन का बेसिन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन बोलते हैं। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि अमेजन बेसिन क्या कह रहा है, राइट। तो यही कह रहा है आपका कि जो आपका क्या होता है, द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि आपका क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर नीचे इसी में फ्लो कर रही है, इसीलिए क्या कर रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में कर रहा है, राइट। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपका फ्लो कर रहा है, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। यानी कि इसी रीजन में ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं और इसी को ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। यानी कि जो नदियां जहां से निकलती हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स माउथ बोलेंगे, राइट। उसके बाद क्या करती है, समुद्र में जाके वो ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमरस ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म ये अमेजन बेसिन। वही जो हमने बताया कि मीन्स ये आपका अमेजन है, अमेजन है, तो इसमें क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरी, यानी कि छोटी छोटी नदियां भी आके मिलती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को अमेजन बेसिन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, राइट। यानी कि ये देखिए, ये रिवर कहाँ कहाँ पे आपका बेसिन जो है लाई करता है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, राइट। इस सब रीजन्स में इसका बेसिन जो है वो फैला हुआ है, इसके बारे में बता रहा है।
राइट। अब हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है आपका कि रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन, यानी कि जो हमने अमेजन वो बेसिन देखा है उसमें कौन कौन से रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो जंगल्स होते हैं उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। तो देखिए ये जो अमेजन आपका है राइट, अमेजन आपका कहाँ पे है, देखिए अमेजन यहाँ पे आपका पड़ेगा, यहाँ पर आपका अमेजन पड़ेगा, अमेजन यहाँ पर देखिए ये अमेजन रिवर यहाँ पर पड़ेगा। तो ये रिवर यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होती है कि बहुत से जो है बहुत से ट्रिब्यूटरी भी आके मिलती है, ट्रिब्यूटरी मीन्स छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बारिश क्यों ज़्यादा होता है इसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए बारिश क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर क्या होता है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि सूर्य का किरणें जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या है आपका पानी है, तो क्या होता है ये रिवर है, रिवर यानी कि पानी है, पानी तो पानी क्या होगा ऊपर उठेगा, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा तो क्या होगा जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा और क्या करेगा ऊपर जाके बादल का फॉर्मेशन करेगा, बादल का फॉर्मेशन करेंगे और वही बादल जब क्या करते हैं सस्टेनेबल कंडीशन पाके क्या करते हैं बारिश करेंगे राइट। इसके वजह से यहाँ पे क्या होते हैं बहुत से बारिश होते हैं, इसीलिए जो यहाँ के फॉरेस्ट है उसको क्या बोला जाता है रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, क्या फॉरेस्ट बोला जाता है रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो वही उसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, देखिए रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन की वहाँ पर जो है फॉरेस्ट है वहाँ उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए थिक फॉरेस्ट ग्रोन ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि हमने बताया कि यहाँ पर जो आपके क्या होते हैं हैवी रेन होते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत डेंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक में यहाँ के वने पाए जाते हैं राइट। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि दीज फॉरेस्ट आर सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है कि मीन्स यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी कि जो आपके यहाँ के फॉरेस्ट होते हैं वो इतने घने हो जाते हैं कि जो सनलाइट है यानी कि प्रकाश की किरण है वो इस जंगल में नीचे तक जा ही नहीं पाते हैं राइट, भी इतना ज़्यादा डेंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होता है इसकी वजह से ऐसा होता है। उसके नेक्स्ट द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प विच एंड ओनली सैड टॉलरेंट ट्रीज मे ग्रो हियर राइट, यानी कि क्या होता है कि मीन्स देखिए जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी कि पेड़ जो है वो भी बहुत डेंस है यहाँ पर, तो पेड़ जब डेंस है तो सनलाइट नीचे जा ही नहीं रहा, तो इसके वजह से जो वहाँ की नीचे की मिट्टी होगी, पेड़ पौधों के नीचे की मिट्टी होगी वो क्या होगी मड यानी कि कीचड़ से भरी होगी राइट, हमेशा वो कीचड़ से बनी रहेगी, पानी हमेशा लगा रहेगा। ऑर्चिड्स ब्रोमेलाइड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट राइट, यहाँ पर जैसे ये आपके लताएं कुछ जम जाते हैं तो उसी प्रकार ये ऑर्चिड्स बोला जाता है, लताएं टाइप के भी वहाँ पर क्या पाए जाते हैं पेड़ पौधे पर जकड़े रहते हैं राइट। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फाउना राइट, देखिए एक होता है आपका फ्लोरा और एक होता है फाउना, इसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए तो फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फ्लोरा मीन्स होता है आपका कि प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ये जो देख सकते हैं हम लोग प्लांट, तो प्लांट्स होता है उसको फ्लोरा बोलते हैं, और फाउना, फाउना मीन्स क्या होता है जीव जंतु राइट, जीव जंतु यानी कि एनिमल्स, जो भी उसमें मंकी पाए जाते हैं राइट, स्नेक पाए जाएंगे आपके, क्रोकोडाइल पाए जाएंगे, ये सब क्या आ गए फाउना पाए जाते हैं। तो बहुत से उसमें ज़्यादा फाउना पाए जाते हैं ड्यू टू रिच डाइवर्सिटी राइट, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फाउना भी पाए जाते हैं। बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि टाउकन, हमिंग बर्ड, पैराडाइज, ये सब आपके पाए जाते हैं राइट। और एनिमल में देखिए एनिमल भी पाए जाते हैं जैसे कि मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टापीर्स आर फाउंड हियर राइट, कि मीन्स यहाँ पर जो है मंकी आपके पाए जाते हैं, उसके बाद एंट ईटिंग टापीर्स पाए जाते हैं राइट, ऐसे कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए बारिश बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना यानी कि प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और एनिमल्स छोटे छोटे जीव और बड़े बड़े जीव भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं राइट। वही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल्स जैसे कि आपके स्नेक्स जो चलते हैं, आपके क्रोकोडाइल हैं, ये सब चलते हैं तो वो भी पाए जाते हैं यहाँ पर, स्नेक्स सच एज क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, पाइथन्स, एनाकोंडा जो कि हम लोग समझते हैं कि बहुत ही विशाल विशाल का एक स्नेक होता है आपका, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। बोवा कॉन्स्ट्रिक्टर आल्सो थ्रीव इन दीज जंगल्स राइट, कि मीन्स इस जंगल में बहुत से जो है एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि डंकी हमने देखा, उसके बाद एनाकोंडा, स्नेक, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, सभी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है, ड्यू टू रिच बायोडाइवर्सिटी राइट। देखिए सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशरीज इंक्लूडिंग द प्लेस ईटिंग पिरान्हा फिश
इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर, राइट? कि मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फिश जो है मछली भी पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो है रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होता है इसलिए भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. देखिए अब तो हमने देख लिया कि मीन्स वहाँ का बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ के जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं. अब वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं. देखिए द अमेजन बेसिन इज कैरेक्टराइज्ड बाई हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर एज इट इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर, राइट? तो जैसे कि हमने देखा लोकेशन बताया है, इक्वेटर से बहुत नज़दीक होता है, इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सनलाइट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा कि बारिश भी बहुत ज़्यादा होगा. तो वही कह रहा है कि मीन्स हॉट एंड ड्राई रीजन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, राइट? क्या कह रहा है आपका कि मीन्स बोथ, यानी कि आपका दिन भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा और रात ह्यूमिड भी होगा और रात में भी क्या होगा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा. दे स्किन फील्स स्टिकी. अब देखिए जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है आपका स्किन जो होता है वो क्या हो जाता है स्टिकी, यानी कि चिक्किया होता है, थोड़ा थोड़ा चिपकने लगता है, राइट? तो वही कह रहा है स्टिकी आपका दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू हैवी रेनफॉल इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्मिंग. यानी कि क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पर डेली जो है बारिश होता ही रहता है, बारिश यहाँ पर क्या होता है होता ही रहता है. क्यों? क्योंकि धूप पड़ती रहेगी, हमने बताया कि मीन्स क्या होता है सनलाइट पड़ता रहता है, सनलाइट पड़ेगा तो पानी क्या होगा आपका ऊपर उठेगा, पानी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा ऊपर जलवाष्प के रूप में जाएगा और यही बादल का फॉर्मेशन करेगा, बादल का फॉर्मेशन करके बारिश करेगा, राइट? तो वही कह रहा है कि मीन्स यहाँ पर बारिश होते रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्किन है वो भी स्टिकी हो जाता है और यहाँ पर जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है हॉट भी होगा लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, राइट? और हम जो है डेली यहाँ पर बारिश होते रहते हैं. द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी. दिन में क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है. क्यों ह्यूमिडिटी पाया जाएगा? क्योंकि देखिए ह्यूमिडिटी कैसे पाया जाता है, देखिए हमने बताया यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है तो सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी यानी कि गर्मी होगा. अब क्या होगा कि बारिश का जो पानी होगा वो एयर में मिल जाएगा, इसलिए क्या होगा कि इसकी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, राइट? वही कह रहा एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, राइट? बारिश भी डेली होता है, इसकी वजह से क्या होगा कि रात को क्या होगा कि मीन्स जो टेम्परेचर है यानी कि सनलाइट तो पड़ेगा नहीं तो रात को टेम्परेचर तो डाउन चला जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ पर मेंटेन रहता है, राइट? इसी की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वह कैसे रहते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पर एक फिगर दिया है, देख सकते हैं आप लोग कि देखिए आप कैसे रहते हैं. यहाँ पर देखिए यानी कि हमने बताया बारिश जो है वो डेली होता है तो बारिश डेली होता है इसीलिए यहाँ के जो घर होते हैं राइट, तो घर का जो ऊपर का छत होता है वो हमेशा कैसे कर देते हैं ऐसे बना देते हैं. तो इससे फायदा क्या होता है देखिए कि मीन्स जब बारिश होगा तो बारिश का पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, ऐसे रहेगा तो बारिश होगा तो बारिश का पानी नीचे चला जाएगा, राइट? तो इससे ये बेनिफिट होता है कि बारिश का पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, इसीलिए इस टाइप के यहाँ पर जो है घर बनाए जाते हैं. तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो आपके यहाँ के लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं जंगलों में उसके बारे में. देखिए मेन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वोमेन टेक केयर ऑफ द क्राफ्ट, कि मीन्स जो आपके वहाँ के मैंस होते हैं आदमी होते हैं वो जाते हैं हंटिंग करके लाते हैं और जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं क्रॉप्स यानी कि खेतों में अपनी एग्रीकल्चर वगैरह करती हैं. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इट इज वोमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो, राइट? देखिए मीन्स ये क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है. कैसे देखिए कि मीन्स हम मान लीजिए आप शिकार पर ही डिपेंड है कि मीन्स मैं जाऊंगा शिकार करके लाऊंगा फिर खाना खाऊंगा, तो शिकार कन्फर्म नहीं ना कि मीन्स आज आपने शिकार पा गया तो कल भी पा जाएंगे, तो ऐसे तो आप जीवित नहीं रह सकते, राइट? तो वही कह रहा है कि मीन्स जो महिलाएं होती हैं वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं वहाँ के लोगों को जीवित रखने के लिए. कैसे कि मीन्स उन्होंने अपना जो है कुछ क्रॉप यानी कि खेती किया, वेजिटेबल्स उगाए तो उसी के खाकर लोग क्या करते हैं जीवित रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है पीपुल प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको मैं कई बार बताया हूँ लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ. देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है आपका, देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है कि मीन्स मान लीजिए ये आपका जंगल है तो यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, राइट? यहाँ पर इन्होंने खेती किया और खेती बड़ा हो गया और खेती बड़ा हो जाने के बाद क्या किया करते हैं कि फसल को काट लिया और यहाँ पर क्या कर देते हैं आग लगा कर यहाँ से चले जाते हैं, राइट? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि मीन्स जब आपका पैदावार हो गया तो फसल को काटने के बाद वहाँ पर स्लैश एंड बर्न यानी कि वहाँ उसको जला देते हैं, फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं. और इसी को क्या बोलते हैं आपका कि स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर झूम कल्टीवेशन भी इसको कई जगह पर बोला जाता है, राइट? तो इसके कई नाम होते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि द स्टेपल फूड इज मेनोइक आल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, यानी कि जो इनका मेजर क्राफ्ट होता है वो कौन सा होता है कि एक कसावा होता है। कसावा आपका एक पोटैटो की तरह ही होता है जो कि जमीन के अंदर जो है ये पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्वीट पोटैटो भी उगाया जाता है। स्वीट पोटैटो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंड के महीने में पाया जाता है, उसको जो है आग को आग में लगाकर खाया जाता है या फिर उसको बॉयल करके भी खाया जाता है, राइट। दे मेनली ग्रोज टैपिकोज पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, राइट। दे आल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, राइट। क्वीन आंट्स को भी खाते हैं और एग सैक्स जो होता है उसको भी ये लोग खाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमने देखा कि ये सब फसलें तो उगाई जाती हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग बेचकर पैसे कमाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कॉफी है, मेज है, कोकोवा है, राइट। इन सब चीज़ों को भी उगाया जाता है जिससे वहाँ पर पैसे को जो है कमाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर भी जो घर बना है वो लकड़ियों का बना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होता है जिससे लकड़ी बहुत ज़्यादा रहता है। इसी की वजह से यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो भी किससे बनाए गए हैं, देख रहे हैं, लकड़ियों के बनाए हैं। किससे बनाए, लकड़ियों के बनाए हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर लकड़ी आसानी से मिल जाता है और इसी से घर भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम फैमिलीज लिव थ्रेस्ड हाउस शेप्ड लाइक बी हाइव व्हाइल अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउस कॉल्ड मलोका विद स्लीपी स्लैंटिंग रूफ, राइट। यानी कि क्या कह रहा है आपका कि मिस बी हाइव, बी हाइव क्या होता है आपका, यही जो हमने बताया है कि इस टाइप के जो शेप है, राइट, इस टाइप के जो शेप होते हैं, इस टाइप के जो घर बनाए जाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी हाइव बोलते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं बी हाइव, यानी कि जो मधुमक्खी का घर होता है उसी के टाइप का यहाँ पर घर बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी हाइव हाउस बोलते हैं, राइट। तो इससे ऐसा क्यों बनाया जाता है, हमने बताया क्योंकि जब ये स्लेंट रहेंगे तो बारिश होगा तो हमेशा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इससे क्या फायदा होता है कि जो छत पर पानी नहीं रुक पाता है, तो इसके वजह से जो यहाँ का, अब देखिए कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों ने अपना एक सलूशन निकाल लिया कि जो घर होगा उसका जो शेप होगा उसको ऐसे, हम लोग रूप का जो छत होगा उसको ऐसे शेप दे देंगे जिससे क्या होगा कि बारिश यहाँ पर पानी नहीं रुकेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लाइफ ऑफ पीपल आफ्टर अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, यानी कि क्या कह रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो लाइफ है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखिए, अमेजन हाईवेज मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट असेसिबल, राइट। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अब हाईवे बनाया जा रहा है। हाईवे क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो लकड़ी पाया जाएगा तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, तो इसलिए भी क्या किया जा रहा है, हाईवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेज, वहाँ पर और क्या हो रहा है आपका, हेलीकॉप्टर्स भी जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। नेक्स्ट, द इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ के नेटिव लोग, यानी कि जो वहाँ पर पहले से ही रहते हुए आ रहे हैं, राइट। इंडिजिनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरिया वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, राइट। क्या कह रहा है कि मीन्स वहाँ के जो नेटिव लोग थे, कि मीन्स वहाँ पर जो रहते थे पहले से, उनको क्या किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस किया जा रहा है जहाँ पर वो लोग खेती करके रह सके, राइट। क्यों डिस्प्लेस किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा स्लैश एंड बर्निंग कर रहे हैं, राइट, स्लैश एंड बर्निंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से तो उनका लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट। तो फार्मिंग करेंगे तो फिर इजी से वो लोग लाइफ अपना ये इजी से जो है क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, यानी कि क्या हो रहा है कि देखिए अब कहीं भी हुआ डेवलपमेंट होगा, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए, राइट, प्लांट्स लगाए गए, तो उससे क्या होगा कि मीन्स पौधों को कटाई होगा, तो वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है द लाइफ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है आपका, क्योंकि देखिए एक तरह हमने देखा कि मीन्स जो आपके साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन था उसके बारे में देखा, और ठीक इसी प्रकार का बेसिन पाया जाता है कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया का बेसिन जो है उसको क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग फिगर भी देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, देख सकते हैं यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आपका दिया गया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, देखिए ये जूम कर दिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर है आपका, देखिए गंगा यहाँ से आपका कौन सा रिवर आ गया, गंगा आ गया, राइट। ये गंगा ऐसे आपका क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ये आपका क्या हो गया, गंगा हो गया,
और ब्रह्मपुत्र हमको पता है कि ये क्या है आपका, इसी को चाइना में सांगपो रिवर बोला जाता है, और यही जब इंडिया में प्रवेश करती है ऐसे इसी को क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो इसी के बीच का जो रीजन आता है, हमने क्या बताया कि बेसिन क्या होता है। देखिए कोई भी रिवर है उसके साथ जो ट्रिब्यूटरी मिल जाती है उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बेसिन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने दो नदियों के बेसिन को देखा कि भी दोनों नदियां हैं तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरी आके मिल रही हैं, छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं, राइट। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों नदियों को मिला के बेसिन बना हुआ है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलेंगे, राइट। तो इसको अब हम लोग क्लैरिटी करते हैं। देखिए अब इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए इसको यूं कन किया हमने छोटा, राइट, और उसके बाद इसको इधर शिफ्ट करते हैं और अब समझते हैं देखिए कि इसमें होता क्या है। देखिए अब समझते हैं हम लोग कि पॉइंट पर आते हैं, देखिए बुक की बातें समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स, कि मीन्स इसके जो छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं मेन रिवर में उसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वही जो हमने बताया कि ये क्या कर रही है, दोनों नदियां क्या कर रही है, उसके बीच का जो रिवर आपका एरिया उसको क्या बोलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलेंगे, राइट। तो वही कह रहा है कि ये क्या करता है, एक बेसिन बनाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री लेटीट्यूड्स, राइट। देखिए अब फिर सब ट्रॉपिकल यहाँ पर आया ना, वही जब हम लोग पढ़ रहे थे अमेजन बेसिन के बारे में तो वो कहाँ पर था आपका, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, लेकिन जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ पर है आपका, सब ट्रॉपिकल रीजन में। उसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका सब ट्रॉपिकल क्या होता है, हमने बताया था, देखिए 23 डिग्री से ऊपर चला जाता है, यानी कि इंडिया देख रहे हैं आपका, इंडिया यहाँ पर है, ये आपका क्या है, इंडिया है। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया यहाँ पर दिया गया आपका, ये क्या है, इंडिया है, इंडिया, राइट। तो ये तो हो गया ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया का, लेकिन इसके ऊपर वाला पार्ट जो इंडिया में आता है, ऊपर वाला पार्ट जो इंडिया में आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे। जैसे कि देखिए इंडिया का ये भी पार्ट है ना, ये आपका इंडिया का ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, राइट, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। तो ये सब किस में आ गए, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गए, राइट। और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमने बताया है वो आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे आ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये आपका गंगा रिवर, तो ये किस में आ गया आपके, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गए ना, देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किस में आ गया, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गया, यानी कि ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्यों सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, राइट। अब समझते हैं, देखिए अब समझिए इसको, देखिए क्या कह रहा है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घग्गर द सोन द चंबल द गंडक द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र लाइक दिहांग दिबांग रिवर तीस्ता मानस राइट ड्रेनिट। क्या कह रहा है कि मिस ये मेन रिवर है, और मेन रिवर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी छोटी नदियां भी आके मिल रही हैं, राइट। उसके नाम भी बताया गया, कोसी है आपका, ये चंबल है, राइट, ये आपके किसके, गंगा के हो गए। उसके बाद ऐसे ही ब्रह्मपुत्र का भी है, लोहित है, दिहांग दिबांग मानस, ये सब किसके हो गए आपके, ब्रह्मपुत्र के। तो छोटी छोटी नदियां भी आके मिल रही है और उस पूरे एरिया को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, कह रहा है कि मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन, इसका जो बेसिन है इसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन एंड द सुंदरबन डेल्टा, राइट। कि मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि ये बेसिन है आपका और रिवर है, तो रिवर रहेगा तो वहां पर क्या होगा, सिंचाई अच्छे से हो सकता है, प्लांट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, और प्लांट्स रहेंगे तो वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, क्लाइमेट, उसके क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है उसका क्लाइमेट क्या होता है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड होता है। क्यों मानसून से डोमिनेटेड होता है इसको समझते हैं। देखिए मानसून से क्यों डोमिनेटेड होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये क्या है आपका, देखिए इसको जूम करते हैं फिर समझाते हैं कि मानसून से क्यों डोमिनेटेड है। देखिए यह हो गया आपका क्या, जूम, यह हो गया आपका जूम, राइट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं। देखिए ये जो हमने इस पे बनाया है इसको इरेज करते हैं, देखिए इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मानसून जो है आपके क्या होते हैं कि बारिश क्यों होते रहते हैं इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए बारिश क्यों होते हैं, देखिए ये पार्ट क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल क्या है आपका, पानी है, बे ऑफ बंगाल क्या है, पानी यानी कि वाटर है। और देखिए ये ऊपर क्या है आपका, जमीन है, ऊपर क्या है, जमीन है, ये क्या है, पानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा, क्या होगा कि मीन्स तापमान में क्या होगा, विभिन्नता होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाटर है, वाटर में क्या होगा आपका कि टेम्परेचर कम होगा, और जमीन है टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि मानसूनी हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं, मानसूनी हवाएं चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, बारिश होता रहता है।
इसीलिए यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होता है आपका वो थोड़ा सा रिच होता है और आपका जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है ये भी क्या है, रिच इन डाइवर्सिटी है। जैसे कि यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, राइट। तो इसका क्या कारण है, मेन कारण यही है कि बारिश बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, मानसूनी क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम द मिड जून टू मिड सितंबर, राइट। यानी कि क्या कह रहा है आपका कि जून से लेके सितंबर तक यहाँ पर क्या होता है आपका, जून से लेके सितंबर तक क्या होता है यहाँ पर बारिश होता रहता है, मानसून होता रहता है। नेक्स्ट द समर्स आर हॉट एंड विंटर आर कूल, राइट। यानी कि क्या कह रहा है आपका कि जो यहाँ पर गर्मी होते हैं वहां पर गर्म मौसम रहेगा और ठंडी में क्या होगा, ठंडा मौसम होगा, राइट। क्यों, क्योंकि मतलब यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। फिर टोपोग्राफी कह रहा है, टोपोग्राफी मीन्स क्या होता है, टोपोग्राफी मीन्स होता है संरचना, संरचना मीन्स जैसे कि देखिए टोपोग्राफी की मीन्स यहाँ पर क्या है आपका, माउंटेन्स है, पहाड़ है, और यहाँ पर क्या है आपका, प्लेन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिकल फीचर बोलेंगे। जैसे कि देखिए द बेसिन एरिया आर वेरी टोपोग्राफी की मीन्स जो बेसिन है वहाँ पर क्या होता है आपका, वेरी टोपोग्राफी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी होता है, कहीं पर ज़्यादा ऊँचा है, कहीं पर ज़्यादा नीचा है, प्लेन एरिया कहीं पर माउंटेनियस है, राइट। द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल इन द माउंटेनियस एरिया। देखिए क्या होता है कि ये क्या हो गया आपका माउंटेन, हमने बताया ये क्या आपका माउंटेन है। तो देखिए माउंटेन पर आपको घर बनाना आसान होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए कह रहा है कि मीन्स जो माउंटेनियस एरिया होगा वहाँ पर कम लोग रहते हैं, और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। वो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर आपका प्लेन एरिया होगा वहाँ पर जो है पानी अवेलेबल रहेगा, खेती अच्छे से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट, अपना बिजनेस कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो पॉपुलेशन होता है वो प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा होता है और माउंटेनियस जो होता है उस पर कम होता है, राइट, वही रीजन है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द प्लेन्स बिकॉज सॉइल इज फर्टाइल, राइट। क्या होता है, क्या कह रहा है आपका कि मीन्स इस एरिया में जो लोग रहते हैं उसका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स वेरी हाई, कि मीन्स वहाँ की जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो वेरी हाई होती है। डेंसिटी मीन्स क्या होता है आपका, कि मीन्स ये एरिया है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व, कि मीन्स बहुत नजदीक नजदीक हाउसेज हैं, इसको क्या बोलेंगे, डेंस पॉपुलेशन बोलेंगे, राइट, वही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पैडी इज द मेन क्रॉप वाइल अदर क्रॉप ग्रोन व्हीट मैज सोरगम ग्राम मिलेट जूट एंड शुगर केन, राइट। यानी कि मेन जो उनका फसल होता है वो पैडी होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि गेहूं हो गए आपके, ग्राम यानी कि चना हो गए, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर उगाते हैं, और कैश क्रॉप्स भी उगाया जाता है जैसे कि शुगर केन, गन्ना, जूट, ये सब भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन, वेस्ट बंगाल और असम में हम लोग देखते हैं कि चाय की पत्ती उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपका, थोड़ा सा माउंटेनियस होगा और बारिश हमेशा होती रहती है, तो जो चाय की पत्ती होती है आपको उसको जो है रेगुलर बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर क्या होता है कि जो है टी प्लांट्स भी उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, राइट। ये वहाँ पर क्या होता है, सिल्क वर्म, सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, बिहार और असम में। नेक्स्ट, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेज इन द माउंटेनियस एंड हिल्स, कि मीन्स जहाँ पर आपका क्या होता है माउंटेनियस होता है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग, राइट, यानी कि मान लीजिए स्लोप ऐसे है तो ऐसे खेत की कल्टीवेशन जुताई कर दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इसको पहले भी हमने पढ़ा है, राइट, पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, इसको बारे में देखें कि यहाँ का वेजिटेशन कैसे होता है और वाइल्ड लाइफ कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए वेजिटेशन मतलब कि वहाँ पर वनस्पति कैसी होती है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। देखिए द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेनियस है अगर तो माउंटेनियस प्लांट्स रहेंगे, प्लेन है तो प्लेन प्लांट्स पाए जाएंगे, वही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिड्यूस ग्रोज अलोंग विद टीक साल एंड पीपल, कि मीन्स क्या होता है कि जो प्लेन एरिया है आपका ट्रॉपिकल डेसिड्यूस प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि पीपल वगैरह हुए, ये सब भी ग्रो करते हैं। थिक बैम्बू ग्रोज द कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और जहाँ पर प्लेन एरिया है आपका ब्रह्मपुत्र का वहाँ पर क्या होता है, बैम्बू घना जो है बांस भी उगाया जाता है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन देवदार एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप, राइट। तो स्लोप जो है थोड़ा स्टीप होता है, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है
सिक्किम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, यहाँ पर कोनिफेरस ट्रीज भी उगाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगल है उसका लाइफ कैसा होता है, वहाँ पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब चीज़ें वहाँ पर कॉमन रूप से पाए जाते हैं, राइट। कि मीन्स हर जगह वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस यानी कि आपका एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड, राइट। यानी कि बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा, राइट। यानी कि वहाँ पर जो है अच्छे अच्छे जो आपके क्या पाए जाते हैं, मछली पाए जाते हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं, रोहू पाया जाता है, कैटला पाया जाता है और हिल्सा पाया जाता है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपुल, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स वहाँ पर जो लोग जीवित रहते हैं वो किस पर जीवित रहते हैं, यानी कि चावल और मछली को ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तो नदियाँ हैं तो मछली वहाँ का जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और देखा हमने कि मीन्स वहाँ पर जो चावल का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जो है इनका जो है मोस्ट स्टेबल फूड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वहाँ के टाउन्स एंड सिटीज, कि मीन्स वहाँ के शहर और गाँव कैसे होते हैं, शहर कैसे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल बता रहा है कि जो आपका इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड इन द गंगा रिवर, राइट। कि मीन्स क्या कह रहा है कि जैसे कि देखिए पहले के जितने भी बड़े बड़े सिटीज हम लोग देखेंगे, अभी भी जो बड़े बड़े सिटीज देखते हैं वो क्या होता है कि नदियों के किनारे होता है। क्यों होता है? इसका बहुत से रीजन्स हैं। जैसे कि देखिए सिटी कहाँ पर डेवलप होगा, जहाँ पर पानी उपलब्ध होगा। पानी उपलब्ध होगा तो खेती अच्छे से किया जा सकता है, खेती अच्छे से किया जा सकता है तभी तो जीवन यापन हो पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप किए गए। क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो डायरेक्ट नदियों में छोड़ देते हैं लोग, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर सिटी प्लानिंग अच्छा होता है। तो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है, मोर देन 10 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर विच पॉल्यूट द रिवर। वही जो हमने बताया कि मीन्स क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको डायरेक्ट ये जो है रिवर में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि रिवर वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पर जो है एक चीज़ को दूसरे स्थान पर कैसे लेकर जाया जाता है। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, राइट। कि मीन्स जैसे कि चार टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। कि मीन्स आपके जैसे कि जमीन से लेके चले गए, पानी से लेके चले गए, एयर से लेके चले गए, राइट। तो ये सभी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जैसा कि हर जगह होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जमीन है वहाँ पर या तो आपके किससे जाएगा कि आपके हाईवे से जा रहा है या फिर रेलवे से जा रहा है, तो यही यहाँ पर भी वैसा ही होता है। और वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर। जहाँ पर नदियाँ वहाँ पर शिप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और प्लेन एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है आपका एयरपोर्ट से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टूरिज्म सेंटर। तो देखिए कहीं पर भी जब सिटी डेवलप हो रहा है तो वहाँ वो क्या हो जाता है, एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि कई लोग घूमने भी आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टूरिज्म सेंटर भी बोलेंगे। कि उसी को क्या बोलते हैं, टूरिज्म भी बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। कि मीन्स जो इस बेसिन में क्या होता है, टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेज आर ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, बुद्धिस्ट स्तूपा उत्तर प्रदेश एंड बिहार, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पर डेवलप हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है आपका ताजमहल आगरा का है, उसके बाद बुद्धि स्तूपा है आपका जो यूपी और बिहार में पड़ता है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग देखा कि जो है इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया। तो यहाँ से आपको जितने भी डाउट्स हुए होंगे इसके पहले वो सभी क्लियर हो गए। तो इस प्रकार एक अच्छे वे में हमने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से क्लियर किया। और यहाँ ये पूरा पढ़ने के बाद अब आप इजीली जाकर अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर खुद ही करना है, जाकर क्या करना है आपको, क्वेश्चन आंसर को खुद ही करना है, राइट। क्योंकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। तो धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।